नालासोपारा येथे मोफत महाशिबिराचे आयोजन. दैनंदिन धावपळीत आपल्या आरोग्याकडे लक्ष देण्यासाठी सामान्य माणसांना वेळ नसतो. हीच बाब लक्षात घेत श्री एच एम मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल यांच्या डॉक्टर कुंदन सिंग, डॉक्टर संजीव चौरसिया, डॉक्टर वीरेंद्र सिंग, डॉक्टर आय के सिंग चौहान आणि रंजन सिंग यांच्या सौजन्याने परिसरातील सर्व नागरिकांसाठी मोफत महाआरोग्य शिबिर भरवण्यात आले. सगळ्याच आरोग्य तपासणी एका ठिकाणी होत नाहीत आणि यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करावे लागतात. म्हणून या सगळ्यांचा अभ्यास करून नालासोपारा वेस्ट येथील दारुल मामूल साईनगर येथे मंगळवार दिनांक 12 नोव्हेंबर 2024 रोजी मोफत महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात डोळ्यांची चाचणी, ब्लड प्रेशर, स्त्री रोग, त्वचा रोग, ECG, जनरल फिजिशियन, हस्ती रोग, होमोग्लोबिन, शुगर, सफेद रक्त, ऑर्थोपॅडिक, लाल रक्त याची तज्ज्ञांकडून आलेल्या नागरिकांची तपासणी केली गेली. त्याचबरोबर या शिबिरात आरोग्य विषयक सल्लाही देण्यात आला. आपण किती कामात व्यस्त असलो तरी आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे असते असा सल्लाही यावेळी देण्यात आला. त्याचबरोबर मोफत चष्मा वाटप करण्यात आले. मोठ्या संख्येने वृद्ध, तरुण, महिला, पुरुषांनी या शिबिराचा लाभ घेतला. आयोजक आसिफ इब्राहिम शेख व अहमद युसुफ मेमन यांनी अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने या शिबिराचे आयोजन केले होते. नमस्कार. आज आप ये जो फ्री मेडिकल कैंप के लिए आए हैं तो आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा ऑर्थोपेडिक्स का है. मैं अस्थि रोग यानी कि हड्डियों के रोगों का विशेषज्ञ हूँ. किस तरह का इलाज, मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि लेडीज के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, लेडीज को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है? हाँ, लेडीज के लिए एक उम्र के बाद में, जैसे मान लीजिए 40 की उम्र के बाद में जो हड्डियाँ होती हैं वो कमजोर होने लगती है, क्योंकि 40 के बाद 40-45 की उम्र जो है उसके बाद में जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, ठीक है, मेनोपॉज जिसको कहते हैं, वो रुकने की वजह से जो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बहुत जरूरी होता है हड्डियों की मजबूती के लिए, तो उनमें ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से जो उनकी हड्डियाँ हैं बहुत कमजोर होने लगती हैं, तो उनके लिए कैल्शियम और विटामिन डी जो दो बहुत जरूरी चीजें हैं हड्डियों की मजबूती के लिए, वो उनको रेगुलर लेना चाहिए. जो कैल्शियम की डोज है वो एक गोली भी अगर दिन में खाएं तो भी बहुत है, और विटामिन डी हफ्ते में एक बार सिर्फ 3 महीने का एक कोर्स कर लेना चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट है धूप. धूप अगर मान लीजिए 10 से 2 बजे का समय जो है, जो बेस्ट टाइम है विटामिन डी का, वो 10 से 2 बजे का है, तो आप धूप सिर्फ 15 मिनट के लिए ही अगर लेंगे तो भी आपको विटामिन डी की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी, सिर्फ अपनी जो नॉर्मल धूप है उससे. कैल्शियम के लिए अच्छे सोर्सेस आपके दूध हो गया, दूध में दूध अच्छा सोर्स होता है. उसके अलावा आपका सोयाबीन हो गया, ठीक है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मैकरेल हो गई, जो अपनी मैकरेल हो गया, ये क्या कहते हैं उसको, फिशेस में मैकरेल, तो उसमें अच्छा होता है, ठीक है. उसके अलावा जो रागी कहते हैं, रागी में अच्छा होता है कैल्शियम, रागी भी बहुत लोगों के घर में बनता है तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स होता है. तो इसके लिए लेडीज को पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए. प्रिकॉशन, हाँ, ऑलवेज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. एक बार हड्डियाँ कमजोर होने लगी आपकी, ठीक है, कमजोर होने के बाद में वापस से उसको नॉर्मल लेके आना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जब वो नॉर्मल है उसी समय से आपने अगर पहले से ही कैल्शियम वगैरह की सोर्सेस लेने चालू कर दिए हैं तो आपकी हड्डियाँ कमजोर ही नहीं होंगी. कौन सी एज से लेना चाहिए? 40 के बाद में स्टार्ट कर देना चाहिए. 40 के बाद में या तो दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर दीजिए या तो फिर जो आपको सोर्सेज बताए हैं कैल्शियम और विटामिन डी के उसको आप रेगुलरली लेते रहिए. आपने अगर अपने खाने में ही रागी या नाचनी जिसको बोलते हैं रोज लेना शुरू कर दिया तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अलग से लेने की. सोयाबीन में भी बहुत अच्छा सोर्स है. और दूध हो गया, दूध औरतें अक्सर नहीं लेती हैं लेकिन दूध कॉम्प्लीमेंट्री बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री फूड है, तो वो लेना चाहिए. सब अगर आप पहले से ही ले रहे हैं तो आपको आगे चल के जरूरत नहीं पड़ेगी. आप लोगों ने ये जो आरोग्य शिविर रखा है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो आज आरोग्य शिविर रखा गया ये पहली बार नहीं है, कई सालों से यहाँ पे आसिफ भाई के ऑफिस पे आरोग्य शिविर, आंखों का चेकअप जो जिसमें मोतियाबिंद वगैरह भी सब फ्री रहता है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, कपड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, कई सारे यहाँ पे सोशल वर्क सामाजिक काम होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे. देखो हम यहाँ पर है लोगों की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आसपास के एरिया में कई सारे गरजू लोग हैं जिनको हेल्थ चेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कई लोगों को आँखों के चेकअप की ज़रूरत है, तो उन लोगों के लिए आँखों का चेकअप साथ में हेल्थ चेकअप और फ्री चश्मा भी गरजू लोगों को दिया जा रहा है. तो सिर्फ हेल्थ चेकअप या इस तरह का या और भी कुछ हेल्प करते हैं आप? बहुत सारी मदद आसिफ भाई के ऑफिस में जो भी आता है यहाँ पर
वो खाली हाथ नहीं जाता है, हर तरह का सामाजिक उसमें मदद मिलती है, सभी लोगों को मदद मिलती है, हर प्रकार के किसी भी जाति धर्म को भेदभाव में नहीं किया जाता है, सभी को एक मान हिंदू मुस्लिम एकता की तरह सबकी मदद की जाती है। तो आज ये मतलब इसके पॉलिटिकल तो नहीं है इसके ऊपर कुछ? बिल्कुल नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे बैनर पीछे है तो आप देखेंगे बैनर पे किसी पक्ष का नाम नहीं है, किसी संगठन का नाम नहीं है, ये इंडिविजुअल एक समाज सेवा, आसिफ भाई समाज सेवक, हम समाज सेवक है, हम लोग ने मिलकर आयोजन किया एक समाज सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, तो किसी भी तरह का पॉलिटिकल है नहीं, हम लोगों की सेवा करते हैं और करते रहेंगे। अभी अभी हम लोग आए तो बविया वाले हम लोगों का नजर आए, मतलब ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि प्रचार के लिए? नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक बात क्लियर कर देता हूँ आपको, बहुजन विकास आघाड़ी के जो लोग हैं वो हर कार्यक्रम में, हमारे यहाँ के हर कार्यक्रम में आते हैं और सराहना करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो बड़े हैं, वरिष्ठ है, एक पॉलिटिकल लोग है, तो वो हमारा सराहना कर सकते हैं, सामाजिक हम अच्छा काम कर रहे तो क्यों नहीं आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सराहना करने आए थे कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी ऐसे करते रहिए, हमारी तरफ से कुछ भी मदद लगेगी तो आप बताइए, सिर्फ हमने एक सपोर्ट की तरह आए थे, किसी भी तरह प्रचार करने नहीं आए। तो आपकी कमेटी का नाम? कमेटी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली आसिफ भाई और हमने मिलके किए। धन्यवाद। कार्यक्रम क्या चीज है और कब से हो रहा है? ये मेडिकल कैंप है, अभी हमने आज रखे, इसके पहले भी कैंप रखा था, 15 दिन 2-3 महीने में एक ही कैंप होता है यहाँ पर, तो हमारे आसिफ भाई सपोर्टर रहते, इस बार तो हमारे अहमद भाई ने पूरा धमाका मचा दिए, इतना सपोर्ट करके आज पूरी टीम लगी हुई है, सर, सर, बहुत सक्सेसफुल हो गया है। सर, आपका जो कैंप जो लगता है जी, चीजों का आप कैंप लगाते हैं? अभी तो मेडिकल कैंप रखा हुआ है फिलहाल, इसके पहले आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, इसके बाद ज्येष्ठ नागरिक का और लाडली बहन का भी हुआ है, तो लोगों को यहाँ के बस्ती वालों को बहुत फायदा हुआ, तो लोगों ने डिमांड रखी हमारे लिए, क्योंकि ये चेकअप के लिए बहुत बाहर जाना पड़ता है, कहीं बम्बई जाना पड़ता है, डिमांड है, बोले मेडिकल के लिए भी, बोले कहीं कैंप में जाना पड़ता है, कई इधर का लिख के देते, तो हमने सोचा कि यहाँ से कुछ किया जावे। जो जो मेडिकल का जो अपने जो कैंप रखा हुआ है, किस चीज का मेडिकल आपने? आंखों का चेकअप रखा हुआ है, ECG का रखा हुआ है, हड्डी का रखा हुआ है, फिर वो ब्लड प्रेशर का रखा हुआ है, और महिला का रोग जो होता है इसके बारे में भी रखा हुआ है, स्पेशल टीम है, तो सारी चीजें, और इसके बाद भी हमने अचानक रखा, एकदम बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला था हमको, तो इसमें हमने शॉर्ट टाइम में रखा हुआ है, इसके बाद आने वाले दिनों में भी हम बड़ा प्रोग्राम रखने वाले हैं, क्योंकि हमारे को आसिफ भाई का फुल सपोर्ट है, अहमद भाई का फुल सपोर्ट है, और हमारी टीम भी है, दोनों इनकी हिंदू मुस्लिम एकता की टीम है हमारी भी जो चल रही है, जो आसिफ दुक्का है हमारे साथ, फिर हमारे साथ में कई लोग है जमे हुए, हमारे मखदूम भाई है, इनका इजामा का भी है, तो सारे मिलकर अभी हमने एक जोर लगा दिया यहाँ पे कि ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसा पहुंचे हर चीज का, जो बम्बई जाना पड़ता है ना, तो हम सोचे कि उनको यही ट्रीटमेंट मिले और ज्यादा से ज्यादा घर बैठे हम लोग को उनको अपने घरों में सपोर्ट करें, ये हमारी ख्वाहिश है और पूरी ताकत लगा रहे हैं इसके लिए।